सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ प्रम्भट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे शास्त्रों में जिन 8 वसुओं का वर्णन किया गया है उन सभी वसुओं ने गंगा जी के गर्भ से जन्म लिया था, तो इसका कारण क्या था वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। हमारे धर्म ग्रंथों में 8 वसु बताए गए हैं, भगवद गीता में भी वसुओं का वर्णन है। तो इन सभी वसु जो थे 8 वसु वो अपनी पत्नियों के साथ एक बार मेरु पर्वत के ऊपर विचरण कर रहे थे, यानी कि घूम रहे थे। मेरु पर्वत के ऊपर वशिष्ठ ऋषि का आश्रम था और उनके पास एक गाय थी जिसका नाम था नंदिनी। महर्षि वशिष्ठ ने अपने तपोबल से उस गाय को प्राप्त किया था, उनको वो गाय अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। जब वसुओं की पत्नियों ने उन गाय को देखा तब उन्होंने वसुओं से उस गाय को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। कुछ वसुओं ने उसका विरोध किया क्योंकि वो वशिष्ठ ऋषि की गाय थी, लेकिन पृथु और द्यो नाम के दो वसु थे। द्यो नाम का वसु आगे आया और उसने महर्षि वशिष्ठ की गाय का अपहरण कर लिया। सभी वहां से उस गाय को लेकर चले गए। जब महर्षि वशिष्ठ को पता चला कि उनकी गायों का अपहरण वसुओं ने किया है तो उन्होंने क्रोध में आकर सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। सभी वसुओं ने जब वशिष्ठ ऋषि से माफी मांगी तब वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि द्यो नाम के वसु को छोड़कर सातों वसुओं को तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन आठवां ये जो वसु है जिसने मेरे गाय को स्पर्श करके अपहरण किया है उसको मनुष्य योनि में रहकर पृथ्वीलोक में लंबे समय तक दुख को भोगना पड़ेगा। सभी वसुओं ने गंगा जी से प्रार्थना की कि वो उनके लिए कुछ करे। गंगा जी ने कहा कि सातों वसुओं को वो अपने गर्भ से जन्म देगी, आठवें वसु को भी वो जिसका नाम द्यो था उसको अपने गर्भ से जन्म देगी, उसमें से सातों वसुओं को तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए गंगा जी ने राजा शांतनु से जो 7 वसु उत्पन्न हुए थे, जो मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए थे, उन सभी को गंगा जी में बहा दिया था और 8वां वसु रह गया था जो समय जाके आगे जाके भीष्म पितामह के रूप में प्रचलित हुए और इसी तरह से महाभारत की भीष्म पितामह के द्वारा शुरुआत हो गई। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू सो मच।